हे गाइस, आप सभी का अपने चैनल शर्मा का टॉक्स में स्वागत है। डीसीएक्स का फाइनल डिसीजन आज इसका डे टू था, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, ग्रे मार्केट में अच्छी उछाल भी देखने को मिल रही है, अच्छी डिमांड भी देखने को मिल रही है। जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है तब, और यहाँ पे इसका कल लास्ट डेट है, हमें अप्लाई करना है नहीं करना है, इस आईपीओ में क्या बेनिफिट हो सकते हैं और कितना नुकसान हमें देखने को मिल सकता है, मतलब रिस्क कितना देखने को मिल सकता है, नुकसान मतलब लॉस मत समझना, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कई सारी चीजें आपके लिए नई भी हो सकती है। तो पूरा देखिएगा वीडियो स्किप किए बिना, और थोड़ा सा सपोर्ट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। यहाँ पे गाइस 31 को ओपन हुआ था, 2 को यानी कल क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट 8 ऑफ नवंबर को होने वाली है तो 7 पर मैं एक दिन प्रायर लेके चल रहा हूँ। लिस्टिंग डेट 11 है, फेस वैल्यू ₹2 का, ₹207 इसका प्राइस बैंड रखा गया है। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू इसका प्राइस बैंड ₹1,035 के आसपास आता हुआ दिखेगा। 5 करोड़ का आईपीओ है ये, मतलब बहुत बड़ा साइज नहीं है। 400 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी अपने यूज में लेगी और कंपनी के प्रमोटर्स 100 करोड़ अपने यूज में लेंगे, मतलब ओएफएस है। यहाँ पे मार्केट का जो लॉट साइज है वो 72 है हमारे लिए, एचएनआईज और बिग एचएनआईज का यहाँ पे मेंशन है। रजिस्ट्रार जो है वो इसका लिंकिंग टाइम है, 10% कोटा हमारे लिए यानी रिटेलर्स के लिए रखा गया है, लिंकिंग टाइम रजिस्ट्रार है, इसीलिए मैं एक दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। भाई भरोसा नहीं होता इस पे कभी अलॉटमेंट दे दे, वैसे भी मोस्टली एक दिन लेट ही देती है। सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की बात करूंगा इस, तो देखो न्यूज चैनल पे हम एवरीडे शेयर करते हैं। डे 2 का सब्सक्रिप्शन डिटेल ओवरऑल जो है 8.57 टाइम, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो था वो कि क्यूआईबीज ने अपना कोटा फुल कर दिया, जिनको 75% मिला है, 75% भाई इनके पास इस बार, 50% जनरली मिलता है, एनआईएस के पास 15% और रिटेलर्स के पास 10% का। तो यहाँ पे जो एनआईआईज है 2 लाख से 10 लाख वाले यानी बिग एचएनआईज, उनका 9.96 टाइम कर दिया उन्होंने अपने कोटे का, और जो स्मॉल एचएनआईज इन्होंने 13.23, तो यहाँ पे ओवरऑल 11 में देने को मिल रहा है, और क्यूआईबीज ने 1.82 यानी डबल लगभग कर ही दिया। रिटेलर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे आए हैं हमें 26.55 यानी कि 26.5 गुना देखने को मिल रहा है। टोटल यहाँ पे 8.57 इसकी एक्सपेक्टेशन डे 1 पे एटलीस्ट तो नहीं थी, लेकिन छोटा आईपीओ भाई, क्यूआईबीज ने पैसा डाला यहाँ पे, एचएनआईज यहाँ पे इतने बुलिश दिख रहे हैं तो ऑब्वियस आना था, रिटेलर्स तो उन सबसे ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स हर एक आईपीओ में कूद जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, ऐसा नहीं कि मतलब 20 गुना 30 गुना हो गया। और गाइस यहाँ पे ये न्यूज चैनल पे आपको हर डिटेल मिलती है, जीएमपी भी शेयर करता हूँ, और साथ में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डिटेल, लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट न्यूज आपको देने को मिलती है। और ये न्यूज चैनल इसलिए बनाया था कि आपको हम जब अपने मेन चैनल पे कॉल देते हैं, कॉल चैनल यहाँ पे शेयर मार्केट टॉक्स के नाम से है, 22.3 के सब्सक्राइबर्स है। देखो आज निफ्टी कॉल में 165 से 200 तक गया, आराम से 45 पॉइंट अगेन देखने को मिला निफ्टी में, जिसमें आप 500 1000 रुपए से लेके 4500 तक बना सकते थे सिर्फ 1 से 2 लॉट में। और यहाँ पे गई बैंक निफ्टी कॉल में भी 119 पॉइंट अगेन देखने को मिला, उसके साथ देख लो यहाँ पे परफॉर्मेंस, इंट्राडे कॉल देते हैं लेकिन आज नहीं दिया था, और 1000 से 10000 आराम से आप बना सकते। तो यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक एफएम इंट्राडे कॉल देखने को मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये चैनल आप जरूर इससे जुड़ जाओ और कॉल लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नंबर 1 पे इसका, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा नंबर 1 पे इसका और नंबर 2 पे इस न्यूज चैनल का। तो भाई अब कॉल दिया है उसी बीच में न्यूज डालेंगे तो जो नए लोग आएंगे कॉल ही नहीं ढूंढ पाएंगे कहां गया या क्या अपडेट कर रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए न्यूज चैनल हमने बनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे गाइस इसका आपको पूरा प्रॉपर 2022 तक का, 2022 का जो क्वार्टर 1 का डेटा है वो देखने को नहीं मिला होगा, तो आपके सामने मैं लेके आ गया हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें कंपैरिजन किया जो करंट 4 आईपीओज हैं, ठीक है, डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, मेदांता और बीकाजी, इन चारों में से बेस्ट कौन सा है, किस में लगाना है, दो लॉट है तो एक किस में लगाए किस में लगाइए, सब कुछ बता रखा है, जाके वीडियो देखना, बहुत ही शानदार वीडियो है, उसमें मैंने कवर किया है इसका रिजल्ट पूरा, लेकिन यहां पे भी आपको बताने वाला हूं। तो गाइस यहां पे आपको नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सब नहीं देखना है, सीधे आना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट पे। तो गाइस इसका जो नेट प्रॉफिट है, जूम कर लिया मैंने, वो 2019 में 4.59 करोड़ देने को मिला और 2020 में हमें 9.74 करोड़, 2021 की बात करें तो 29 यानी कि ट्रिपल होता हुआ दिखा यहाँ पे, 9 से सीधे 27 और इसके पहले देखो 4.5 से सीधे 9.74, तो यहाँ डबल होता दिखा, उसके बाद फिर ट्रिपल होता दिखा और यहाँ 29 से सीधे 65, तो 30 से 60 से ज्यादा यानी कि डबल होता हुआ यहाँ भी दिखा है। करंट क्वार्टर की बात करो गई तो गई वो है क्वार्टर 1 जो पिछला क्वार्टर बीता है 2022-23 के फाइनेंशियल लगा, तो करीब 5.56 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, इस अकॉर्डिंग देखो तो 20 से 22 करोड़ का प्रॉफिट ये इस बार भी बनाएंगे ही, ठीक है, मतलब 5 करोड़ कम है इस क्वार्टर में मैं मानता हूं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी डबल करते जा रहे हैं, आगे आने वाले क्वार्टर में इनको अच्छा फायदा इसका देखने को मिल सकता है। और इसके साथ यहाँ पे इनका सेल डेटा भी बढ़ता दिखा है, देखो 641 से सीधे 1102 हो गया है, पहले 449 था, तो यहाँ पे जो ओवरऑल फाइनेंशियल्स है वो बेहतर देने मिल रहा है। कंपनी को बारे में आपको पता है कि ये इंडिया के साथ साथ बाहर भी सप्लाई करती है और काफी बेहतर काम करती है, इसका सबसे ज्यादा सपोर्ट इसमें सबसे बेस्ट बात है कि गवर्नमेंट का इसको सीधे सीधे सपोर्ट है और ये
अपने बिजनेस में बढ़िया पैसा बनाती है एक्सपोर्ट से। तो गाइस बिजनेस सेगमेंट में अपने काफी स्ट्रांग है ये, फाइनेंशियल भी हमें अच्छी देने को मिल रही है। थोड़ा सा डेट का चक्कर था तो यहाँ पे 400 करोड़ ये उठा रन में से 200-250 करोड़ अपने डेट में चुका सकते हैं। इनके ऑब्जेक्ट में ये मेंशन है क्लियरली कि अपना जो डेट है उसका पेमेंट करेंगे और बाकी एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से कंपनी पॉजिटिव हो जाती है और सब्सक्रिप्शन देख के ग्रे मार्केट भी पॉजिटिव हुआ है। पहले 70-75 देखने को मिल रहा था, 80-90 तक डिमांड गई थी, उसके बाद गिरता दिखा, 70-75 तक आ गया था, उसके बाद फिर 80 आया। आज के दिन ही अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाई उसमें भी 80 था। मैंने अभी जो बात करी है तो गाइस कुछ सेंटर्स पर डिमांड जो है वो 80 से 85 तक की भी आ रही है। सही डिमांड 75 से 80 तक की है, लेकिन कुछ जगह पे 80 से 85 की डिमांड निकलती हुई भी आ रही है। सेंटर पे अलग अलग डिमांड निकलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेन पुख्ता डिमांड है वो 75 से 80 वाली है, लेकिन कुछ रूमर जीएमपी कैसे 85 तक की भी आती हुई दिख रही है। इसके अकॉर्डिंग अगर जो आप देखोगे तो आपको लगभग 40 से 41% तक गेन देखने को मिला, जो कि 38-39 था। तो यहाँ पे इसमें सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ तो डिमांड भी अच्छी निकलती हुई दिखेगी। इसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आईपीओ में लगाना चाहिए? तो गाइस अगर जो दो लॉट है तो एक लॉट आप बचा के रख सकते हो, इस आईपीओ में लगा सकते हो। वो चार वीडियो का कंपैरिजन वाला ना डिस्क्रिप्शन में नीचे डिटेल दे दूंगा, सबसे ऊपर कंपैरिजन वीडियो बेस्ट कौन सा आईपीओ है इस नाम से आप देख लेना, उसके हिसाब से कर सकते हो। इस आईपीओ में लगाना है आपको अगर जो सब्सक्रिप्शन इसका देखो साइज छोटा है, अभी 8 times हुआ है, आराम से हो जाएगा, कुछ मुझे नहीं लगता, आराम से 30-40 times होता है। अगर जो 30 के ऊपर जाता है इसका सब्सक्रिप्शन, 20-25 के ऊपर भी चला जाए तो आप लगा सकते हो। सेफ्टी चाहिए तो 30 से ज्यादा गया, 30 से 40 के आसपास दिखा तो बिना सोचे समझे लगा देना और इस आईपीओ में आपको गेन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, लिस्टिंग टाइम पॉजिटिव रहा तो 50% से ज्यादा का लिस्टिंग आपको ये आराम से देता हुआ दिख सकता है। ये 30 से लेके 50% में बोलूं ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, 30 से 50% तक गेन आराम से दे सकता है। तो बहुत अग्रेसिव होकर भी मत लगाना कि पता चला सारा पैसा आपने लगा दिया, और अगर जो मार्केट इधर उधर होता है तो रिस्क फैक्टर साथ में रहेगा। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख के ही लगाना। और गाइस आपके लिए बेस्ट ऑफर है, आप अगर जो अकाउंट खुलवाना चाहते हो, आईपीओ में अलॉटमेंट पाना चाहते हो तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगाओ, और मल्टीपल डीमैट अकाउंट आप हमारे लिंक से ओपन करवाओ, एंजल वन में, अपस्टॉक में, धन में, पेटीएम मनी में या फ्रायर्स में, किसी में भी। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे या फिर टेलीग्राम पे आओगे तो वहां भी मैं इसके लिंक देता हूं, लिंक के थ्रू ओपन करवाओ और जो हमारे पेड ग्रुप्स है वो आपको फ्री मिल जाएंगे। जो प्रो इंट्राडे ग्रुप है जहां पे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो आपको मिल जाएगा फ्री एक मंथ के लिए, और प्रीमियम में आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बहुत ही पॉजिटिव बात है, मतलब आराम से आप आधी फीस में वो ज्वाइन कर सकते हो जिसके लिए आप वेट करते हो, अच्छा सा ग्रुप मिल जाए। तो यहाँ पे एसएमटी की ये सुविधा का फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ लगाइए, दोनों बेहतर, फायदे आपके हाथ में। तो यहाँ पे सब कुछ पता चल चुका है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इनके भी लिंक्स मिल जाएंगे आपको, अकाउंट ओपन करिए और हमें बताइए टेलीग्राम पे आके, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं यहाँ पे वीडियो, थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।